Welcome to Lakshmishree Stock to Watch series for 3rd of March 2020 and I'm Anshul Jain. Pehla stock jo aapki watchlist mein hona chahiye wo hai Sun TV ka. Sun TV kal ke session mein previous month low aur previous month close is pe support leke wapis wahin close kiya tha. Aaj ke session mein uske niche gaya lekin bears uske niche hold karne mein nakamyab rahe aur ye upar aake close kiya. तो इसमें एक बियर ट्रैप टाइप का फॉर्मेशन है और कल के सेशन में अगर बुल्स वॉयलेंस के साथ 420 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी टुवर्ड्स 450. अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है पीएफसी का. पीएफसी में एक लार्ज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज किया था. इसका इमीडिएट सपोर्ट ऑन द डाउन साइड प्रीवियस मंथ क्लोज और प्रीवियस मंथ लो जो 110 से 108 के बीच में ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा. और कल के सेशन में बेयर्स अगर वॉयलेंस के साथ इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ने में कामयाब हुआ और 108 के नीचे सस्टेन करते हैं तो स्टॉक में फ्रेश फ्री फॉल आएगा जो वीकली S1 101 को टेस्ट कर सकता है. अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC लाइफ का. HDFC लाइफ अपने प्रीवियस मंथ क्लोज का सपोर्ट लेके क्लोज की थी और आज के सेशन में ये गैप अप खुली है, डबल टॉप बनाया है ट्विजर टॉप्स 15 मिनट चार्ट पे. तो 15 मिनट चार्ट पे क्लियर रेंज डिफाइन हो रही है, ऊपर में 565-568 और नीचे में 545. तो कल के सेशन में अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 545 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब होते हैं तो ये स्टॉक तेज़ी से नीचे आएगा टुवर्ड्स 525. और अगर बुल्स वॉयलेंस के साथ 568 के ऊपर निकलने में कामयाब हुए तो स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग लगेगी जिसे वीकली R1 585 तक ले जा सकती है. अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है ओरो फार्मा. ओरो फार्मा में ये दो दिन एरेटिक मूव रहा है गैप अप के साथ, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग. तो पिछले 5 दिनों से इसने एक रेंज बना के रखी है लोअर डिग्री चार्ट्स पे, जिसका ऊपर का रेजिस्टेंस 520 के अराउंड है और लोअर रेजिस्टेंस 500 के आसपास है. तो कल के सेशन में अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 495 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब होते हैं तो स्टॉक में अगले 30-40 रुपये और गिरावट आएगी. अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है बंधन बैंक का. बंधन बैंक अपने प्रीवियस मंथ लो एंड क्लोज को रिजेक्ट करके आज ऊपर जाके क्लोज किया है, लेकिन डेली चार्ट पे कैंडल बहुत बेरिश थी. कल के सेशन में अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 388-387 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब होते हैं तो स्टॉक में फ्रेश फॉल आएगी जो इसे 360 की तरफ लेके जाएगी. लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है डीवी स्लैब का. डीवी स्लैब अपने पिछले महीने मंथली R2 के ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सेशन में इसने प्रीवियस मंथ क्लोज को रिजेक्ट करके और 20 डे मूविंग एवरेज और मंथली पिवोट्स तीनों को रिजेक्ट करके वापस ऊपर जाके क्लोज किया है. तो इसमें एक रेंज फॉर्मेशन है ऑन दी अपसाइड 2165 एंड ऑन द डाउन साइड 2095. तो कल के सेशन में अगर बेयर्स वॉयलेंस के साथ 2080 के नीचे ट्रेड कर दें तो ये स्टॉक लगभग 2050 तक आएगा. ऑन द कॉन्ट्री अगर ये रेंज ऊपर साइड टूटती है 2165 के ऊपर तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग इनिशिएट होगी जो इसे 2250 तक ले जा सकती है. डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं. दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू.